आपको हम बता दें कि पिछले तीन सालों से ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जहां अंचल पदाधिकारी या जल संसाधन विभाग या बाढ़ फ्लड कंट्रोल के द्वारा किसी भी अवैध ट्रैक्टर चालकों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई हो जबकि नियम है कि बांध पर ट्रैक्टर का परिचालन नहीं होना है क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील झा है जैसा कि आप देख ही रहे हैं बांध का क्या स्थिति है बगल में, में मेरा गांव है बगल में, में मेरा कृषि योग्य खेती बाड़ी है एक तो मरम्मत नहीं होता दूसरा जो भी रहता है उसमें कुछ लोगों द्वारा मिट्टी का कार्यक्रम का अपने भरने के लिए अवैध खनन करने के लिए बेसिकली वो देखिए जगह जगह मिट्टी बांध को काट करके उसको रास्ता बनाया जाता है इस पर विभाग का कोई भी किसी तरह का आ, कोई विजिट नहीं हो पाता है और कोई इस पर एक्शन नहीं लिया जाता है बिल्कुल सही कहा सुनील जी अब हम एक और ग्रामीण है श्याम जी उनसे हम बात करते हैं श्याम जी अगर समय रहते हुए इस बांध की अगर मरम्मति नहीं होती है तो रानीपुर गांव के भविष्य पर क्या होगा आपको बता दें कि ये सिर्फ रानीपुर का ही बांध नहीं है ये रानीपुर का बांध टूटने से लगभग सैकड़ों गाँव जलमग्न हो जाती है यह यहाँ पर पाँच सात दिन के लिए मिट्टी उपलब्ध है विभाग के द्वारा अगर इस पर त्वरित कार्रवाई किया जाएगा तो हो सकता है कि इस बार बांध का मरम्मति करके ये बांध सुरक्षित हो जाए नहीं तो यहाँ आप देख ही रहे हैं कुछ ही दूरी पर नदी है और वो नदी यहाँ पर इतना आप कितना बार आके देख चुके हैं कि कितना तेज धार होती है जिसके कारण से रानीपुर का बांध टूट जाता है आप देख रहे हैं कि यह सौ बीघा का प्लॉट है बांध से घिरा हुआ रानीपुर का जो है सो पूरा चासबास खेती बाड़ी सब इसी से निर्भर है और यह बांध कुछ ट्रैक्टरों के द्वारा जो है So, काट दिया जाता है और यह बरसात में मुख्त आपको बता दें कि एक गांव का रहरा है उसका मुख्य सड़क यही है और आप देख रहे हैं कि कितना कटाव है इस बांध पर चार पांच जगह कटाव है तो विभाग के द्वारा अगर अविलम्ब इस पर कार्रवाई किया जाए और इसको मरम्मति कर दिया जाए तो यह बांध सुरक्षित हो सकती है बांध सुरक्षित हो सकती है लेकिन एक चीज़ बड़ा टेक्निकली है कि जैसा कि जानकारी मिलती है कि यहाँ पर अवैध ट्रैक्टर का परिचालन बांध पर बदस्तूर जारी रहता है जिसके कारण अनचाहे रूप से बांध क्षतिग्रस्त होती है फिर बारिश का पानी आता है बारिश के पानी के साथ साथ वो मिट्टी बांध से अपने ऊपर समेट लेती है तो ऐसा आप लोगों ने या आपके द्वारा या कोई ग्रामीणों के द्वारा ऐसा कोई प्रयास किया गया हो कि इस बांध पर ट्रैक्टर का परिचालन न हो देखिए जो ट्रैक्टर मालिक हैं वो लोग बात मानते नहीं हैं हम लोग ने कितना बार बोला उन लोगों को कि आप लोग जो है सो बांध को जो काट के आ इसको स्लोपिंग बनाते हैं सो बांध के बगल में मिट्टी भर के आप लोग स्लोपिंग बना के आ तब उस पर चढ़ाइए सो वो लोग मानते नहीं हैं अपना ज़बरदस्ती जो है सो वो लोग बदस्तूर बांध को काट के ढलनी बना देते हैं और बाढ़ के समय वर्षा के समय में वह जो है सो खंडहर हो जाता है जिससे बांध टूट जाती है आज हम बांध निरीक्षण के क्रम में हम बसैठ के रानीपुर पहुँचे हैं हमारे पास एक किसान है उनसे भी हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करते हैं कि बाढ़ जब आती है उस समय इन लोगों की पीड़ा क्या होती है और फसल की जो क्षति होती है चूँकि यहाँ के किसान हम अपने कैमरामैन को कहेंगे कि दिखाए ये पूरी खेत फसल से भरी रहती थी अब सामने आप देख रहे हैं हालांकि यास तूफान के कारण हर खेत में पानी है जो फसल को बर्बाद कर दिया है कुछ दलहन फसल लगे हुए थे बर्बाद है बहुत सारे खेत अब इस इंतजार में छूटा हुआ है कि फिर से बारिश होगी फिर बाढ़ आएगा और आपको जो है ये पूरी की पूरी जो क्षेत्र देख रहे हैं वो पूरा जलमग्न हो जाता है किसान से हम बात करते हैं आप एक चीज़ बताइए बांध हर वर्ष मरम्मत की जाती है और हर वर्ष टूट जाता है इसमें लापरवाही कहाँ होती है लापरवाही समाज का होता है माने सरकार का होता है कि सरकार इस पर कोई निर्भवे नहीं करता है किसी ऐबे नहीं करता है देखने के लिए भी नहीं आता है यहाँ तो हम लोग तो बाढ़ से एकदम अथी रहते हैं तो सरकार का न यहाँ कोई सरकार है न कोई सरदार है हैं तो सब मन मर्जी करते हैं बांध भी है बाँध काट करके अपना लिख बना लेते हैं और छोड़ देते हैं लापरवाही के तरह तो हम लोग क्या करें बाढ़ जब आती है तो उस समय आप लोग की स्थिति क्या होती है बहुत मुश्किल होता है बहुत मुश्किल होता है सर बहुत मुश्किल होता है धान का खेती न होता है हम लोग कैसे गुजर बसर करेंगे वही अनुभव है हम लोग बहुत मुश्किल में रहते हैं इस क्षेत्र की विडम्बना है या मैं कहूँ तो यह लाचारी है सरकारी सिस्टम के द्वारा यहाँ के जनताओं को एक बाढ़ उपहार स्वरूप दी गई है बाढ़ उपहार स्वरूप क्यों दी गई है उसका नमूना हम बता रहे हैं ये बा, बांध देखिए इस बांध के मरम्मती में करोड़ों रुपए सरकार व्यय करती है ठेकेदारों के माध्यम से लेकिन ये बांध एक बाढ़ को झेल नहीं सकती अब सवाल है कि जब यह बाढ़ को नहीं झेल सकती है तो इतने करोड़ों की राशि खर्च करने से क्या मिलता है जनता को क्या मिलता है जनता को सिर्फ मिलती है बेबसी और वो जलमग्न गांव जब खाट पर खाट लगा करके या छतों के सहारे जीना पड़ता है जब उसके दरमियान किसी बच्चे की बीमारी होती है या कोई बूढ़े मरने के अवस्था में होते हैं तो यकीन मानिए ऐसी स्थिति होती है कि उन्हें हॉस्पिटल नसीब नहीं होता है यहाँ तक कि करहरा जिन जिस गांव की बात कर रहे थे करहारा में हमने लाश बांध पर जलाते हुए देखा है